प्रधान लेकर गया, घर में छह सात बच्चे। तो अकबर खान ने अपनी बीवी से कहा, जब मैं जाकर गाय खरीदूंगा, इसका नाक इसका दूध बेचूंगा ताकि हमारी जिंदगी अच्छी गुजर सके। अकबर खान ने कहा कि मैं भैंस नहीं खरीद सकता, इसलिए कि भैंस महंगी होती है। वो गरीब रात के अंधेरे में इन जालिमों से बचने के लिए गाय को खरीद कर ला रहा था, तो रात के अंधेरे में उसको मारा गया। अंदाजा लगाइए कि पुलिस की गाड़ी में बिठाते हैं, डेढ़ आधे किलोमीटर का फासला पुलिस चार घंटे में तय करती। पुलिस की गाड़ी में अकबर खान को मारा गया, और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो मालूम हुआ कि अकबर खान की गर्दन टूटी हुई थी तीन जगह, पेट के फसलियां टूटी हुई थी, हाथ और पैर की हड्डियां टूटी हुई थी। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप एक ट्वीट नहीं करते, आप एक मजम्मत नहीं करते। महाराष्ट्र में एक गाड़ी गिर गई रायगढ़ में, अफसोसनाक वाकया, उसमें पूरे गाड़ी के जो लोग थे हलाक हो गए। वजीर आजम ने फौरन ट्वीट किया, मगर अकबर खान की मौत क्योंकि गाय के नाम पर हुई, हिंदुस्तान के वजीर आजम खामोश हो जाते। हम बीजेपी और वजीर आजम से पूछना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान की जान की कीमत है या गाय की कीमत है, बता दो हमको, आप किसकी जान की कीमत है? क्या गाय के नाम पर हिंदुस्तानियों को मारा जा सकता है? अगर मारा जा सकता है तो फिर दस्तूर की धज्जियां उड़ा रहे आप। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, आईन में राइट टू लाइफ इंसानों के लिए है पहले, चाहे वो इंसान हिंदुस्तानी हो या ना हो, राइट टू लाइफ उस हर उस शख्स के लिए हिंदुस्तान में कयाम पसीर है। मेरे भाई, हमारी जान की कीमत नहीं रही, गाय की कीमत हो चुकी। गाय की कीमत है या हमारी जान की कीमत नहीं? लोग बोलते हैं कि तुम ये भड़काव भाषण दे रहे हो, नहीं, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। अकबर खान की मौत, अलीमुद्दीन अंसारी की मौत, पीलू खान की मौत, जुनैद की मौत, अखलाक की मौत, कितने वाकयात मैं सामने रखूं आप, मगर गाय के नाम पर हमको टारगेट किया जा रहा। मेरे भाई, हम गाय को काटते नहीं है, वो बेचारा दूध बेचना चाह रहा, वो मेवात के म्यो लोग हैं जिन्होंने मुगलों से मुकाबला किया था। हिंदुस्तान के वजीर आजम, अकबर खान का घर आपके घर से सिर्फ एक घंटे के फासले पर है। वजीर आजम, एक घंटे के फासले पर हमको मारा जा रहा, और आप वजीर आजम हैं। हम पूछना चाहते हैं वजीर आजम से, बताइए आपके पास क्या प्रोग्राम? सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि कानून बनाओ, अब कानून बनाने जा, अल्लाह को मालूम कि कौन सा कानून बनेगा, क्या बनेगा, नहीं मालूम। मगर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी मुसलमानों से कहना चाह रहा हूं कि सबक हासिल करो दलितों से, सबक हासिल करो मराठाओं से, सबक हासिल करो पटेलों से, सबक हासिल करो राजस्थान के गुज्जरों से, सबक हासिल करो हरियाणा के जाटों से। ये मुत्तहिद होकर जब एक ताकत बनकर सामने आए तो हुकूमत उनके मुतालबात को मानना पड़ा। दलित मुत्तहिद हो गया और मोदी से कहा कि अगर कानून नहीं आ गया SC ST एक्ट का, तो फिर हम खामोश नहीं बैठेंगे। हुकूमत मजबूर हो गई। महाराष्ट्र में मराठे रोडों पर है, चीफ मिनिस्टर मजबूर है, और हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ रातों में घर में बैठ कर दुआ कर रहे हैं, रो रहे हैं। याद रखो, यकीनन दुआ करना है,
जिंदगी भर दुआ करना है, दुआ हमारा हथियार। मगर सिर्फ दुआ पर इक्तफा नहीं किया जा सकता। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्या तुम नहीं देखे, तुम नहीं पढ़े जहर के मैदान में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान में कारगर था? क्या तुमने नहीं देखा जहर के मैदान में गंगा ने मुबारक भी धोए? क्या तुमने नहीं कहा कि काबे का शहर है और सिद्दीक अकबर को मारा जा रहा है, मारा जा रहा है, मारा जा रहा है, मारा जा रहा है? कैसा मारा गया? नौजवान मेरे से आके बोलते, सर साहब डर लगता है, डर लगता है उनको कि कहीं हमको नहीं मार, कहीं मार दिया ना जाए। नौजवान आकर बोलते, सर भाई कहीं हमारी दाढ़ी को काट तो नहीं देंगे जैसा कि एक बच्चे के नौजवान की दाढ़ी को काट दिया गया। मैं नौजवानों से कह रहा हूं, मेरे अजीज दोस्तों, अपनी तारीफ को पढ़ो। काबे के शहर में सिद्दीक अकबर को मारा गया, इतना मारा गया कि एक मुशरिक ने, एक कुरैश के जालिम ने अपनी जूती निकालकर सिद्दीक अकबर के चेहरे पर मारा। सिद्दीक अकबर के चेहरे पर इतना सूर गया चेहरा कि नाक नजर नहीं आ रही, बेहोश हो गए। होश आया तो क्या कहा सिद्दीक अकबर ने अपनी अम्मा से, कहा अम्मा जान जरा ये तो बता दो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे। अम्मा ने कहा क्या हो गया तुम तो बोले कि नहीं अम्मा मुझे बताओ। अम्मा जा सिद्दीक अकबर कहते कि उम्मे जमीन से जाकर पूछता जो इस्लाम कबूल कर लिए थी। उम्मे जमीन दर दर कर आती है, फिर वो अपनी मां उम्मे जमीन के सहारा लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। जख्मी है, आखा को देखते हैं, कहते हैं रसूल अल्लाह सिर्फ आपको देखने आया हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिखने वाले ने लिखा फिर हम तो आलमीन पर रखत तारी हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रखत तारी हो। रसूल अल्लाह सल्लम ने फरमाया कि वो कैसे दीर तकलीफ है, तो बोले नहीं कोई तकलीफ नहीं है रसूल अल्लाह, सिर्फ तकलीफ इस बात की है कि उस जालिम ने अपना जूता उतार कर रहा। तो नौजवानों डरना नहीं है तुमको, तुमने देखा कि क्या हुआ, वो काबे के शहर में जुलम हुआ तो अल्लाह ने कैसी कामयाबियां दी कि काबे से पूरे बुतों का खातिमा। तुमको इकतदार से अल्लाह ने नवाज दिया, तुमको इज्जत से अल्लाह ने नवाज। अगर कोई डर रहा है कि हमारे मुसलमान भाई की दाढ़ी काट दी गई पकड़कर, तो कोई फिक्र की बात नहीं है। दाढ़ी काटने वालों में तुमसे कह रहा हो, तुम्हारे बाप से कह रहा हो, तुम्हारी सोच से कह रहा हो, तुम दाढ़ी नहीं मेरी गर्दन भी काट दो मगर हम मुसलमान रहेंगे और सुबह कयामत तक इस्लाम को हिंदुस्तान में बाकी रखेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये हिंदुस्तान